नमस्कार, आज का विषय है चाणक्य नीति केवल छात्र जीवन के लिए। काम क्रोध लोभ स्वाद श्रृंगार रति कौतिक मनोरंजन अति निंद्रा एवं अति सेवा विद्या की अभिलाषा रखने वालों को इन 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के पास जमा किया गया धन कभी समय पर काम नहीं आते। ऐसी विद्या या धन को न होने के बराबर ही समझना चाहिए। आलसी व्यक्ति या छात्र का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। इस बात को बाहर मत आने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। इसे रहस्य ही बनाए रखना अच्छा है और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। जब तक कार्य सफल नहीं हो जाता किसी को बताना नहीं है। कभी भी उनसे मित्रता नहीं कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी आपको प्रसन्नता नहीं देगी। जिस प्रकार जल के एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार सभी विद्या धर्म और धन संचय धीरे धीरे होता है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। पहला, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? दूसरा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तीसरा, और क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? आपके लिए यह उचित है जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आपका आगे बढ़ना उचित है। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। सुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या की प्राप्ति की आशा त्याग कर देनी चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। धन से हीन होने पर कोई हीन नहीं हो जाता, वह निश्चय ही धनी है यदि उसके पास विद्या है। जिसके पास विद्या रूपी रत्न नहीं, वह प्रत्येक वस्तु से हीन है, उसका धन भी निरर्थक है। आगे आप देख सकते हैं चाणक्य की सफलता के 5 अचूक मंत्र एपिसोड 1।